हमारे रॉकिंग बाबा जी, बाबा जी एक बार इस तरह से एक बार इस तरह से एक बार रॉकिंग बाबा जी के झंडा भगवान शंकर जी का टेम्पल आप ऊपर देख सकते हैं। तो इस बार फिर निकले हैं टू एंड ट्रू फ्रेंड। हम पहुंचे हैं झंडा मंदिर, जहां पर महाभारत के युद्ध से पहले झंडा लगाया गया था। मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान शिव के यहां होने का एहसास होने लगा था। अब आपको दर्शन करा देते हैं भगवान शिव के। भगवान शिव के इस मंदिर में जो शिवलिंग है, जब ये शिवलिंग मिला था यहां पर, तो इसे गांव वाले लोग शिफ्ट करना चाहते थे गांव में, लेकिन जब इसे यहां से शिफ्ट करने के लिए खोदा गया तो इसकी गहराई का पता नहीं पाया था, तब से यहीं पर मंदिर बन गया था। क्या बात है, भोलेनाथ शंकरा। इस इलाके के बारे में बताया, इस टेंपल के बारे में बताया, तो यहाँ पे गौरव से बातचीत कर रहे हैं। और जो ये पेड़ है, इसके बारे में भी कहा जाता है, इस पेड़ से जो है, पहले ये पेड़ है जो मेन, इस पेड़ के थ्रू ही ये बाकी के पेड़ जो हैं वो हो गए हैं। गुलासा कभी देखने के लिए नहीं मिलता, और काफ़ी दूर तक और नए पेड़ उगे हैं इस पेड़ के थ्रू। बिल्कुल अलग है पेड़ देखने में। यही वो स्थान है जो बबरीक की आपने कहानी सुनी है। बबरीक ने जब तीर चलाया था, कृष्ण जी ने जब उसको कहा था, तब वो जो सारे पत्ते थे पेड़ के, सब पत्तों को जो उसका तीर था वो भेद नहीं पाया था। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है। वाओ, अमेजिंग वेदर, क्या बात है, क्या रास्ते हैं। बड़ा टफ है यहाँ, ड्राइव करना ही बड़ा टफ है। यहाँ उतरना पड़ सकता है ना, हमारा सारा नाश्ता डाइजेस्ट हो जाएगा यहाँ। ये पूरे पहाड़ों को गाड़ के रास्ता बना हुआ है, पहले ऐसा रास्ता नहीं होता था, पहले पैदल का रास्ता था, ट्रैक था। थोड़ा सुकून आया। अभी हम राइडिंग करके आ रहे थे, क्योंकि जो रास्ता है बहुत ख़राब हो चुका है, इसीलिए हमने बाइक को रास्ते में पीछे खड़ा कर दिया, और हम यहाँ से जा रहे हैं पैदल। और वीडियो को देखते देखते हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप ही के लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं। हम टेंपल पहुंच चुके हैं, टेंपल बिल्कुल सामने है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। हम ऊपर से आए हैं, देखो ऊपर से आके वहाँ पे टेंपल है, यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हैं। खाना खाने फिर यहाँ पे, हाँ भूख लगी है, पर वो देखो वो सामने बंदर है, कि बंदर हमारा खाना खा जी। कि बंदर बैठे हैं यहाँ पे? हाँ वो जी। अच्छा बंदर दिखाइए जरा, कर क्या रहे हैं बंदर? बंदर अपनी साफ सफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे खाना कैंसिल हो गया कहीं है हमारी, क्योंकि कभी हमारी डुई खिंचा दे। डुई खिंचाता हुआ बंदर, ये बंदर को देखो आप, बंदर डुई 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 खिंचा रहा है, बंदर हो रहा है यहाँ पे, वो क्या खिंचा रहा है, दोनों डुईया ही खिंचा रहे हैं, डुई कॉम्पिटिशन चल रहा है। बंदर ही है देखो ऊपर वाली, बंदरी कैसे पता बंदरी है, बंदरी जो है बंदर की डुई खिंचा रही है। बहुत ही अच्छे एरिया के अंदर पहुंच गए हम।
हमें पता चला है कि जो ये रास्ता है ये माता के मंदिर में जा रहा है, उस साइड जाएंगे तो हिमाचल आ जाएगा। हम हरियाणा साइड सुटेबल प्लेस नहीं अभी मिल रहा जहाँ पे हमने खाना खाना है। देखो कितना साफ पानी, खाना खाने के बाद गौरव यही पानी पीने वाला है साफ साफ ये पानी नहीं पीऊंगा, रिस्क नहीं मारूंगा। हम रुके हैं खाना खाने के लिए, हैंड वॉश कर लिया टिप्सी ने, मैं भी हैंड वॉश करने वाला हूँ और जल्दी से यहाँ पे करते हैं हम। ये लंच है हमारा, ब्रेकफास्ट है ये बना, तो ब्रेकफास्ट था कर हम लंच में रहे हैं। देखो क्या बढ़िया हमने प्लेस बनाया बैठने के लिए, ये टेबल गौरव ने सेट किया। ये देखो पानी की बोतल पड़ी है, यह है सब्जी, सब्जी होगी, यह है पराठे और यह है पानी। पानी चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये जो रिवर है अब हम रिवर को क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी कम है। अब ये हम पहुँचने वाले हैं हिमाचल में, ये हम हिमाचल में आ गए। देखो इस एरिया को आप बोल सकते हैं कि ये अनएक्सप्लोर एरिया है जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मंदिर हम आ गए हैं, बड़े सुंदर प्रांगण में मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ बाबा जी हमें मिले हैं, इनसे थोड़ा पूछते हैं। बाबा जी ये मंदिर कब से है? ये बना तो जी 10 साल हुआ है मंदिर, पहले यहाँ खाली स्थान था इसका कि कोई प्राकट्य मूर्त, प्राचीन पत्थर की मूर्तियां थी। तो ये माता के भी हमने चलते चलते दर्शन कर लिए, माता वैष्णो। वैष्णो माता के हम दर्शन करके आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं सतकुंभा मंदिर की तरफ। साहब ने हमें यहाँ बताया कि यहाँ खैर के भी काफी वृक्ष पाए जाते हैं, ये खैर का पेड़ है जो आप देख रहे हैं। जय भोलेनाथ। हम आए हैं भोलेनाथ के मंदिर सतकुंभा में, यहाँ पे ये ऊपर टेंपल है और नीचे ये यहाँ से 7 धाराओं का पानी निकलता है धरती से और ये पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता। लोग इस पानी को पीते हैं और उस पानी से नहाते हैं, ठीक है। अगर कोई 7 हफ्ते तक सोमवार को नहा लेता है तो उसका कोई भी स्किन की अगर कोई डिसीज़ है उसको तो वो दूर हो जाती है डिसीज़। आपको बहुत से दिखाते हैं, यही वो कुंभ है जिसके अंदर से पानी निकल रहा है, तो पानी निकलता रहता है, पानी कभी ख़त्म नहीं होता, इसी पानी के अंदर नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। तो हम जा रहे हैं मंदिर में। जय भोलेनाथ, जय ओम नमः शिवाय, 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 तो यहाँ पे भगवान शिव शिवलिंग है, वो पंचमुखी रूप है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। जय भोलेनाथ, जय प्रभु, जय प्रभु। तो संतों के पवित्र स्थान पे हम बैठे हैं और ये बाबा जी हमारे सामने बैठे हैं। बाबा जी के साथ हम पहाड़ी के ऊपर आए थे क्योंकि नीचे सिग्नल वगैरह नहीं आते, तो अब जा रहे हैं नीचे बाबा जी के साथ और फिर से हमारा दोबारा प्लान बना है, यहाँ पे फिर से आएंगे हम और फिर बाबा जी के साथ यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हमारे रॉकिंग बाबा जी, बाबा जी एक बार इस तरह से रॉकिंग बाबा जी के साथ आपको दिखाएंगे इनकी दिनचर्या। ये बाबा जी हमारे रॉकिंग है और बाबा जी बता रहे थे कि वो बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल बोर नहीं होते, वो अगर वो नीचे जाते हैं तो वहाँ पे बोर हो जाते हैं वो। ये किसी का पत्र है, ये बेल पत्थर है, बेल पत्थर। ये कौन सा पौधा है जी? ये पत्थर चटका, इससे क्या क्या बेनिफिट होता है? पथरी के लिए है, इसका जूस बना के पीते हैं। और ये जी, ये दर्द मार है, ये कैसा भी दर्द है उसको पिलाने के बाद ठीक हो जाते हैं सब। ठीक है, ये दर्द के लिए। ये सेब का पेड़ है लगाया है। और बाबा जी ये वाला, ये धतूरे का, ये काला धतूरा है सेब का, ये हाँ ये सेब का पेड़ है। हरियाणा के अंदर भी सेब का पौधा लगा हुआ है। भंडारा खा रहे हैं अब हम, प्रसाद ले रहे हैं। अगर कोई बाहर से आता है, मतलब दिल्ली से आ गया, कोई दूर से आ गया, कोई भी आ, तो वो आके यहाँ पे स्टे कर सकता है? हाँ। तो चार्जेस होते हैं कुछ स्टे के यहाँ पे? कोई भी। अच्छा, मतलब ऐसे होता है। और खाना वगैरह का सब भंडारा फ्री मिलेगा, 24 घंटा हमारा भंडारा चालू है। हाँ जी बाबा जी, हम सतकुंभा के अंदर आए हैं, तो सतकुंभा जो मंदिर है भगवान शिव का, तो क्या इसके पीछे कहानी है? इसके पीछे जो कहानी, ये महाभारत से पहले की है। इस समय महाभारत होने के लिए जा रहे थे तो
तो पांचों पांडव ने भगवान कृष्ण से बोले, जो महाराज जब आप मेरे साथ हैं तो कोई ऐसा उपाय बताओ जो हम पांचों भाई अमर हो जाएं। तो भगवान कृष्ण बोले, अमर तो हो जाओगे लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कहा, क्या महाराज? तो कहा, सात कुंभ का जल इकट्ठा करो। अब सात कुंभ के जल लेने जब पांचों पांडव चले तो इनकी वार्ता भोलेनाथ सुन रहे थे। अब भोलेनाथ सोचे, जो अगर कृष्ण यहाँ सबको अमर करने लगे तो ये तो अमर लोक है ही नहीं, ये तो मृत्यु लोक है। तो भगवान शिव ने अपना रूप बदल के जहाँ जहाँ कुंभ लगे तो पांचों पांडव से ही पहले वो जल भर लेते थे भगवान शिव जो थे। तो वही जल लेकर के जब भगवान शिव चल दिए तो पांडवों ने पीछा किया, जे चलो ये तो अकेले हैं, कहीं छीन भी लेंगे जब अमर होना है इस जल से हमें। तो वही जल ला करके भगवान शिव ने यहाँ रखे, जो निकल रहे ये धाराएं जो बह रही है, नीचे शिला है पत्थर का बहुत बड़ा, उसी शिला पे ला के अपना जल पात्र रख दिए भोलेनाथ ने। और नजर की ओझल हो गए, पांडव पीछा कर रहे थे, वो जैसे जल पात्र उठाने की कोशिश की वो जल पात्र वहीं फट गया, जल जो था खिंड गया यहीं पे। फिर भगवान शिव प्रकट हो गए, जे मैं सात कुंभ का जल भर के लाया था, तुमने क्या किए? पांडव जो थे वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जे महाराज ये जल हमें चाहिए था, अमर होना था, हम पांचों पांडव हैं, ये भगवान कृष्ण है। तो कहा, जब अमर होना था इस जल से खिंड गया तो फिर प्रकट करो इसको। फिर पांडवों ने यहाँ 12 साल तपस्या किए फिर भी जल नहीं निकले यहाँ। फिर भोलेनाथ ने दर्शन दिए, कहा ठीक है जल तो तुम्हें मिलेगा लेकिन अमर नहीं होगा। कहा फिर महाराज? तो कहा जाओ महाभारत करने के बाद यहाँ आके स्नान करेगा तो मोक्ष मिल जाएगा। फिर भगवान शिव ने ये प्रकट किए है, ये जो सात धाराएं निकल रही है नीचे से, फिर भगवान शिव ने प्रकट किए है जल को, इसीलिए इसको सतकुंभा कहते हैं, जो सात कुंभ का जल निकल रहे हैं यहाँ पे। तो यही सतकुंभा, इसीलिए इसको सतकुंभा बोलते हैं। तो कितना प्राचीन मंदिर है ये? तो महाभारत से पहले की, महाभारत से पहले की। ऐसे ये मंदिर ही मंदिर था तो छोटी सी, ये जो बाकी चीज बनी है ये तो फिलहाल बनाए हैं मान लो अभी। तो जो एक मंदिर नीचे भी है, एक झंडे वाला मंदिर जो है, हाँ, उसके साथ भी कोई कनेक्शन है इस मंदिर का? वहाँ झंडा लगा था महाभारत का, महाभारत का झंडा लगा था, हाँ वहाँ पे झंडा लगा था, इसीलिए उसको झंडा गांव भी बोलते हैं, उसी के नाम से, झंडा के नाम से गांव भी है। तो ये हरियाणा के अंदर पड़ता है? हाँ हरियाणा में ही है। तो हिमाचल का एरिया कौन सा, उधर वाला? ये पहाड़ी हिमाचल ही है आपका, ठीक है। जो रास्ते से आए है ना, वो रास्ते की इस साइड हिमाचल है, इस साइड हिमाचल है, हाँ, वो रास्ते के इधर हरियाणा। तो बाबा जी यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं? है, बगेड़ा है छोटा वाला जो है, जिसे बगेड़ा, तेंदुआ होता है जो, लेपर्ड वो है। और कौन से जानवर है यहाँ पे? हिरन है, बकरी है, सुअर है, नीलगाय। तो तेंदुआ कभी देखा भी गया है यहाँ पास? हाँ काफी देखे, तो कई घटनाएं कर चुके हैं।